योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान 100 दिन पूरे हो गए। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं प्रदेश के विपक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश गोरख धंधों से हुआ बर्बाद, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर भर्ती का पेपर में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई। को बता दें कि यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू ने योगी सरकार 2 की 100 दिन की कमियां गिनाते हुए बताया कि प्रदेश में हर भर्ती में पेपर लीक हो गया, कानपुर में व्यापारी का अपहरण हो जाता है, तो हर तरफ कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कुशीनगर के फाजिल नगर में व्यापारी की हत्या को इंसाफ दिलाने के लिए बीते 13 दिनों से मैं खुद धरने पर बैठा हुआ हूं। तो वहीं पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से सरकार 100 दिन का ढिंढोरा पीट रही है, ना बेरोजगारी पर बात करती है, ना ही रोजगार देने पर बात कर रही है, ना अपने मैनिफेस्टो को याद कर रही है, जनता त्राहिमान करने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।